गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज नागपुर में मिला है। दुबई की यात्रा कर लौटे इस मरीज का एम्स में उपचार चल रहा है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन इसके लिए जरूरी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने से ही कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचा जा सकता है। सर्वाधिक मरीज महाराष्ट्र में मिलने से हालांकि प्रशासन चिंतित है। दुबई से संक्रमित 21 वर्षीय मरीज धंतोली निवासी है। वह लौटा है 18 दिसंबर को दुबई से। 19 दिसंबर को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे एम्स में भर्ती करवाया गया। इस दौरान उसके नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशाला में भेजने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 10 दिन के बाद उसकी फिर से कोरोना जांच किए जाने की जानकारी एम्स के डॉक्टरों ने दी। पहला मरीज होम क्वारंटाइन अफ्रीका से लौटे 40 वर्षीय पुरुष की 6 दिसंबर को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद जरूरी इलाज के बाद उसे एम्स से छुट्टी दे दी गई और होम क्वारंटाइन कर दिया गया। एम्स में ओमिक्रॉन संक्रमितों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। आयुष इमारत में 50 बेड आरक्षित रखे गए हैं। वहीं पाए गए ओमिक्रॉन के मरीजों में डॉक्टरों के अनुसार कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। इस तरह नागपुर में अब ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 2 पर पहुंच गई है।